Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all guys are doing well. So today we are going to talk about Poland PCC apostle or other document apostle. जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं अगर हमको अपोस्टल करने की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। अगर हम पोलैंड डी कैटेगरी वो वीज़ा के बारे में चेक करते हैं तो उसमें मेंशन किया गया है, अगर आप देखोगे जो आपके डॉक्यूमेंट हैं 10th और 12th की मार्कशीट है उसके आगे मेंशन किया है कि अगर आप अपोस्टल करा सकते हैं तो वेल एंड गुड है। MEA उसमें मेंशन किया हो, जो अथॉरिटी होती है वो अपोस्टल करके देती है। और अगर आपको डॉक्यूमेंट अपोस्टल करने हैं तो आपको आप ऑनलाइन सर्च करोगे, उसमें दिल्ली में 2-3 एजेंट हैं, उन्होंने अपनी वेबसाइट बना रखी है, उसमें 1300 रुपये का एक डॉक्यूमेंट अपोस्टल करते हैं। मैंने भी कराया है, मैंने 2 10th और 12th की मार्कशीट अपोस्टल कराई है। अराउंड 2600 रुपीज़ उन्होंने चार्जेस लिए और 150 रुपये उन्होंने कुरियर चार्जेस लिए थे, और 150 के आसपास मेरे पैसे लगे थे जब मैंने यहाँ से डॉक्यूमेंट उनको भेजे। और जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं बहुत क्विक है, उन्होंने कम से कम मेरे को 1 हफ्ते के अंदर सारे डॉक्यूमेंट उन्होंने वापस कर दिए थे, इधर से वापस भी भेज दिए थे, मेरे अपोस्टल हो गए। और कोई कोई एजेंट कहते हैं कि अपोस्टल कराना रिक्वायरमेंट नहीं है, पर उसमें एज पर चेकलिस्ट में लोगों ने मेंशन किया है कि अगर आप करा सकते हैं तो वेल एंड गुड है, और PCC अपोस्टल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप चेकलिस्ट देखते हैं तो उसमें ये मेंशन नहीं किया है कि PCC को अगर आपको अपोस्टल कराना है।